स्टार्ट अनबॉक्सिंग ऑफ एचजे कैम एचजे सिक्स लेजेंड। चलो शुरू करते हैं एचजे कैम एचजे सिक्स लेजेंड का अनबॉक्सिंग। पहले देखते हैं इसके अंदर क्या क्या मिलता है अपने। पहले तो मिलता है यूजर मैनुअल, जो कि आप कोई पढ़ते नहीं हो इसको, तो इसको अपन रख देते हैं साइड में। और इसके अंदर है कुछ माउंट होल्डर, जो कि माउंट करने में, हेलमेट के ऊपर माउंट करने में आपको आसानी हो जाती है उसकी। फिर आता है अपना स्क्रीन प्रोटेक्टर, यह है एचजे S6 का प्रोटेक्टर, जो कि किधर गिरने से आपसे वो बचा सकता है, आपका कैमरा को कुछ डैमेज नहीं हो सकता। फिर उसके बाद आता है 3mm टेप, जो कि बहुत यूजलेस थिंग है, जो कोई यूज़ नहीं करता माउंट करने के लिए, क्योंकि ये रिलायबल चीज़ नहीं है, अपन इसको हटा देंगे। इसके जगह पे अपन और एक जुगाड़ लाए हैं अपने, अपन वो यूज करेंगे, वो आगे वीडियो में है तो वीडियो में बने रहिए। फिर आता है ये होल्डर, जो कि हेलमेट पे लगता है 3mm टेप के साथ, बट अपन 3mm टेप यूज नहीं करने वाले हैं, तो उसका उसके बदले और कोई अलग चीज़ है वो यूज करके ट्राई करने वाले, तो देखिए आगे क्या। फिर उसके बाद आता है माउंट होल्डर, वही बात है। फिर आता है मेन यूजेबल थिंग ऑफ कैमरा, जो कि है चार्जर को केबल, चार्जिंग केबल, चार्जिंग केबल अपने को यूज करना है। इसका बैटरी बैकअप के साथ, बैटरी बैकअप 2 घंटे का ही है खाली, तो उस हिसाब से ये चार्जिंग केबल दिया गया है, तो चार्जिंग केबल यूज कर। फिर आता है अपने मेन चीज, मेन प्रोडक्ट के ऊपर, जो कि है कैमरा, कुछ इस तरह से दिखता है। देखिए ये वाटरप्रूफ है, वाटर प्रोटेक्टर के साथ आता है, उन्होंने केस के साथ दिया हुआ है। चलो अपन इसको ओपन करके देखते हैं। इसको यहाँ पे ओपन करने के लिए बटन दिया गया है, ये देखो। और ये अपना कैमरा आ गया बाहर, और ये कैमरा कुछ ऐसे दिखता है। यहाँ एक छोटी LED स्क्रीन दे दी है, फुल्ली टच वाईफाई सपोर्ट कैमरा है ये। और ये हो गया ओपन, ये फ्लाइट करने के बाद देखो इसका, आप जो मोशन में लेना चाहते हो वीडियो, वो मोशन आ जाता है, स्टील 4K। यहाँ पे इसका सेटिंग का ऑप्शन है, टच करना, रेजोल्यूशन सेट करना, 4K 24 FPS, ये देखो 4K 24 FPS, 2K 30 FPS, 1080 60 FPS, 50 FPS, VGA मोड भी है, 30 FPS सुपर 1080p। फिर इसके बाद आता है लैंग्वेज, इंग्लिश वगैरह है, पर अपने को प्रिफर तो सब इंग्लिश ही करते हैं। फिर उसके बाद आता है डेट टाइमिंग, जो अपने डेट के हिसाब से अपन सेट करते हैं, 20/7 आज का डेट है, 3 तारीख, ऐसे खाली स्लाइड करने से ही डेट आ चला जाता है 3 तारीख। टाइम भी आता है, अभी फिलहाल 9 बज रहा है, तो 9 बजे अपन सेट कर देते हैं, 9 बजे का टाइमिंग यहाँ पे। ये हो गया डेट टाइम फॉर्मेट। उसके बाद है एक फॉर्मेट, मेमोरी कार्ड फॉर्मेट आता है, गिम्बल कंट्रोल, टीवी मोड, फास्ट रिकॉर्ड वगैरह का ऑप्शन, क्विक कैप्चर, अगर कोई आप फोटो खींच रहे तो उसको क्विक कैप्चर, वीडियो चलते चलते क्विक कैप्चर में क्लिक हो जा कर सकते हो आप। कीपैड टोन, लाइट सेट, स्क्रीन सेवर, फ्रिक्वेंसी, रोटेट ऑप्शन, लोगो वाटर मार्क, ये वाईफाई कनेक्शन का ऑप्शन है, पावर ऑन मोड, डिफॉल्ट सेटिंग में देख
हो गया आपको वो कहना कैमरा आप यहाँ पे मोड दिए हुए वीडियो, वीडियो लैब्स, स्लो रेकॉर्ड, स्टील, फोटो लैब्स, बस्ट, वीडियो फोटो, कार मोड, अंडर वाटर में, ऐसे कुछ वीडियो के टाइप जहाँ पे आप रिकॉर्डिंग करना चाहते हो। स्क्रीन रेजोल्यूशन सेट कर देते हैं इसका 4K 24 FPS। अभी इसको अपन हेलमेट के ऊपर माउंट करके इसका वीडियो क्वालिटी चेक करते हैं कैसे आता है। सो आइए आप वीडियो चलो क्वालिटी चेक अभी करते ओपन करते हैं हेलमेट फॉर्म। हैं। चलो इसको अभी ओपन करते हैं। ये ओपन कैसे होगा? अरे वाह, इसके अंदर खाली ये दो ही चीजें मिलती है, ये हेलमेट माउंट जो कि स्ट्रेचेबल है और अच्छा क्वालिटी का लग रहा है। देखते हैं इसका लगाते कैसे है वो देख लेते। पहले देखते हैं इसके साथ आता है एक स्ट्रिप, क्योंकि कहीं किधर एक खराब हो गया या टूट गया उसके लिए ये यूज करते। फिर ये यूज होता है इसके लिए हेलमेट माउंट करने में। अपना कैमरा वगैरह गोप्रो या मोबाइल माउंट जो करना रहेगा उसको ये इधर अटैच करके कर देते। हम लोग ने अभी ये अटैच कर लिया है, वही हिल रहा नहीं है। ये पूरा स्टेबल बैठ गया है इसका। ये देखो इसको हेलमेट का वेट भी ले रहा है ये अच्छे से, और कुछ प्रॉब्लम तो नहीं लग रहा है मेरे को अभी फिलहाल। बट ये बहुत रिलायबल चीज लग रही है मेरे को इसको। ये देखो अंदर, ये देखो स्ट्रिप है। अभी ये देखो दिख रहा रहेगा आपको, ये स्ट्रिप को अंदर से लॉक किया जाता है। ये ऐसे ओपन होता है, आपके हिसाब से आप टाइट कर लेना जितना आपका अंदर हो जाए, फिर टाइट कर लेना। फिर ये टाइट हो गया, फिर ये हिलेगा नहीं यहाँ से जगह पे, पूरा स्टेबल बैठ गया। और जो एक्स्ट्रा रहेगा वो ऐसे साइड में रख दो, नहीं तो आपके व्यू के बीच में आएगा या कैमरे के बीच में आएगा, वो अच्छा नहीं दिखेगा। फिर ये आता है इसकी ये रबर जो इसको होल्ड करके रखता है एक ही जगह पे, उसका क्वालिटी भी बहुत अच्छा है और ये हिलता नहीं। तो ये माउंट अपन यूज करने वाले हैं अपने मोटो व्लॉग के लिए जो कि जल्दी ही शुरू होने वाला है। तो आइए अपन इसके बाद अभी एक्शन कैमरा मेरा हो अटैच गया है करते सेट हैं, इसके ऊपर। अभी चलते हैं अपन मोटो व्लॉगिंग के लिए। चलो